500। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस मॉडल 2500 इन्वर्टर की। देखो ये है, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया हमने और ये हमें पड़ा है 14,000 रुपये का। देखो अब इसको काटते हैं और ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। देखो इसकी पैकिंग ठीक है, पूरा पैक कर रखा है, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं है। और अब इसकी इसको देखो, और भारी बहुत है ये। देखो इसके अंदर ये डिब्बा मिलता है हमें और ये बिल हैगा, लो बिल देखो, ये बिल हैगा 14,000 रुपये का बिल है ये। ये स्मार्ट इन्वर्टर, ये इसका बॉक्स है, ये इसकी डिटेल है, देख लो आप। और इसकी डिटेल का फोटो मैंने लगा दिया है साइड में, देख लेना, बहुत भारी है ये, सुपर सीरीज है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, और अभी आपको दिखा देंगे खोल के। और पैकिंग ठीक है इसकी, ये फटा हुआ है यहाँ से, ये फट गया थोड़ा सा अपने आप ही फटा हुआ है। और यहाँ से ये ओके है यहाँ से, और स्मार्ट रूम की पूरी टेप से आया है, सील लगी हुई है पहले से। इसके ऊपर थर्माकोल मिला हमें, और थर्माकोल भी देखो कितना मोटा है, पूरी पैकिंग हुई है। और ये हमारा इन्वर्टर है, और ये इसका मैनुअल मिला है, यूज़र मैनुअल कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। और ये फ्यूज़ मिले हैं इसके, जैसे कभी ख़राब हो जाए, तीन फ्यूज़ मिले हैं। और ये ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है। ये है इन्वर्टर और बहुत भारी है, इसके अंदर एक एक केबल मिली है, जैसे कि बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर से। और चारों तरफ से दिखा लेते, और पूरा पन न्यू पैक है ये देखो। और ये टेप लगा रखी है अभी हमने, देखो यहीं पे फाट लगा है, देखो इतने सारे तार मिले हैं, ये इसके अंदर ही आएंगे देखो ये दे। और पीछे से देखो कुछ ऐसे दिखता है, इसमें एक एमसीबी मिल जाती है हमें। ये कंप्यूटर चलाते हैं हम, तो उसका जैसे कि क्लिक करोगे तो कंप्यूटर लैपटॉप सारी चीज़ चलेंगी। और ये ट्यूबलर लेड बेस बैटरी सेमी बैटरी जोन सी भी है ये वाली है, और 100 AH और 125 से तक बैटरी चलाओगे तो ये दबाओ, और 150 AH से 200 AH तक आप इसमें चला सकते हो, ठीक है। या ये दी गई है, ये मैन वायर है, और ये माइनस की वायर है, ठीक है, और ये प्लस की वायर है। ये सोलर पैनल के लिए है, ये हमारी न्यूट्रल जो हमारे घर पे जाएगी वो है, ये हमारी एमसीवी है, ठीक है। अब चलें हम इसको मोड़ के दिखाते हैं, और ऐसा हमें मिला है इसका। अब हम देखेंगे तो इसमें हमें दो फैन मिल जाते हैं, एक फैन ये है और एक जो कूल करने के लिए, ठीक है, एक ये हमारा ये है ठंडा करने के लिए, इसको ये ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो हम अब इसको चला कर देखते हैं, और अब इसका हम दिखाते हैं कितना जोर है, कितना हमारा सारा सामान चलेगा, कितना लोड करेगा। अभी हमारे पास सोलर नहीं है पैनल, तो जब हम लगा के देखेंगे जब हम आपको बताएंगे। ओके देखो ये लगा दिया हमने इन्वर्टर, अब इसके तार लगा रहे हैं। अरे भाई काम जाने कैसे चलेगा। ये बैटरी आएंगी अभी साफ करिए, ये तार छिल रहा है,
अब देखो ये पॉजिटिव है ये हमारा जो घर की तार है, अब इसमें देख रहे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब देखो ये लगा दिया है, ये हमने लगाया एल में, देखो ये लिखा एल। और ये हमारा पुराने वाला इन्वर्टर था जो भी रिटायर कर दिया हमने, अभी इसके प्लस माइनस देख रहे हम, प्लस माइनस। और ये बंद हैगा फिर भी लाइट जल रही है इसमें देखो, और एमसीबी नीचे कर रखी है ऑफ हैगी फिर भी लाइट जल रही है, और कहीं पावर नहीं दे रखी इसको, बैटरी से बस बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट से जो चलती है हमारी। ये पॉजिटिव हमारा, अब लगा दिया नेगेटिव में, ये देखो लगा दिया, अब देख रहे हैं चलेगा नहीं चलेगा, ये लगा दिया और जुगाड़ कर रखा था बल्ब का, देखो आवाज दे रहा है, मैन ऑन एमसीबी कह रहा है, एमसीबी ट्रिप है, स्विच ऑन एमसीबी, तो एमसीबी चलाते हैं हम, एमसीबी चलाओ। करंट तो वही टाइम लगाना एमसीबी, देखो ये एमसीबी चला दिया, अब इसकी अभी कह रहे स्विच ऑन, स्विच ऑन, और हमारी लाइट आ चुकी है, अभी आपको दिखाते हैं। देखो देखो ये दुकान की लाइट आ चुकी है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर ठीक है, और अब इसका बैकअप देखेंगे कितनी देर बैकअप देता है ये दो बैटरियों में। कल मंडे को मार्केट बंद नहीं है तो लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। अब देखो इसके ऊपर लोड गिर रहा है तो ये कह रहा है बैटरी लो एंड प्लीज रिड्यूस लोड, मतलब कि ये कह रहा है कि अब बैटरी डाउन है और अब ये बंद हो जाएगा, देखो बैटरी लो शट डाउन, ठीक है। तो ये लो मतलब जो हमारी बैटरी आएंगी वो अभी पूरी चार्ज नहीं है, तो पहले चार्ज करेगा उनको। UPS मोड इज रेंज ये आएगी, मतलब कि अगर ये बैटरी ख़त्म है हाँ, और इस हाँ ये वी बोट है 27.2, और ये बैटरी चार्जिंग हो रही है अभी, और मेन आएगी 241 वोट हमारी जो आती है वो दिखा रहा है, घने सारे सिस्टम है इसमें, 30% 24 वोल्ट है, अभी 30% चार्ज है ना।